डोईवाला में दून वैली कॉलेज की ओर से आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन में क्षेत्र के 800 धावकों ने भाग लेकर मैराथन को सफल बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित हुई रन फॉर यूनिटी मैराथन में देहरादून, ऋषिकेश और डोईवाला के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसके साथ छोटे छोटे बच्चों में भी मैराथन के प्रति उत्साह देखा गया। वहीं इस दौरान मैराथन जीतने वाले सभी प्रतिभागियों को पूर्व मुख्यमंत्री व डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके चलते आयोजन समिति के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वे पिछले साल कोविड के कारण मैराथन आयोजित नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार लोगों के उत्साह को देखते हुए रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस तरह का आयोजन युवाओं में जोश भरने के साथ देश प्रेम की भावना भी जागृत करता है। डोईवाला से संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट। आज के दिन हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने जिस समय अंग्रेजों का यहाँ पर राज था हिंदुस्तान में, और उन्होंने जिस तरह से इस भारत को एक धागे में पिरोने का जो काम किया, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया, उसे हमारे लौह पुरुष गोविंद वल्लभ भाई पटेल ने उसे साकार किया, और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में एकता की जो दौड़ यहाँ पर की जा रही है दून घाटी स्कूल द्वारा, मैं जो दून घाटी स्कूल के जो संस्थापक हैं चौहान साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने युवाओं के लिए एकता की दौड़ का आयोजन किया। और मैं इस अवसर पर युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम हमारे लौह पुरुष सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल के जो रास्ते हैं उन पर चलें। देश की आज़ादी के बाद भी 550 से अधिक रियासतें ऐसी थी कि जो भारत राष्ट्र में विलय नहीं हुई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री रहते हुए उन सारी रियासतों का विलय भारत राष्ट्र में किया। निजाम हैदराबाद फिर भी सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ इच्छा के कारण और उनके सख्त रुख को देखते हुए हैदराबाद निजाम ने भी भारत राष्ट्र में अपना विलय किया। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में आज पूरे देश में एकता दौड़ हो रही है, बहुत अच्छा है। इससे हमारे जो नई पीढ़ी है, जो हमारे नौजवान हैं, उनके मन में देश की एकता के प्रति संकल्प जगेगा, और राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार है वो और अधिक बढ़ेगा। जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पे हम हमेशा करते चले आ रहे हैं कई वर्षों से। दून घाटी कॉलेज डायरेक्ट केवड़िया से जुड़ा हुआ है, जहाँ इनका स्टैचू बना हुआ है, और वहाँ से हम लोग उनकी प्रेरणा लेकर यहाँ पे मैराथन का आयोजन करते लगातार आ रहे हैं। और हम यहाँ तक सोचते हैं कि यहाँ का हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है उसको एक मंच मिले और वो एक अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दें और आगे आगे नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जाके अपना परफॉर्मेंस दिखाएँ, और उसी की हम एक तैयारी करा रहे हैं सब बच्चों को, और बहुत अच्छे से लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, बच्चे भी खूब अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो 800 तो इनरोल हुए थे हमारे पास, लेकिन उसमें 150-200 करीब बच्चे ऑफलाइन भी आए हैं हमारे पास। तो हमने सबको ही टी शर्ट वगैरह, उनका ब्रेकफास्ट, उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ हमने उनको दिया है।